दरअसल हम, क्या आप भी अपने फ़ोन में ऐड से तंग आ चुके हैं? या आप भी कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई ऐप ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं जिससे आप इरिटेट होते हैं? तो आज मैं आपको उसी चीज़ का सलूशन बताने आया हूँ कि कैसे आप अपने एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अपने एड्स को, जो आपके पास एड्स आते हैं, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं डिफरेंट कंपनीज की आती हैं, वो को आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं अपने एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सिवाय यूट्यूब। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यूट्यूब से आप अपने एड्स को कभी ब्लॉक नहीं कर सकते। हो सकता है मगर वो बहुत आगे का स्टेप है। सिवाय यूट्यूब के आप काफ़ी अपनी ऐप से एड्स को हटा सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी बात पे बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अपने एड्स को हटा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि यह काम कैसे होगा। तो आ चुके हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो आपको सबसे पहले अपनी एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है फ़ोन में जिससे आपके एड्स आना बंद हो जाते हैं। तो एक छोटी सी सेटिंग होती है, आपके हर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वो ऑप्शन होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन हो और उसमें ये ऑप्शन ना हो। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है, iOS है, तो उसमें नहीं हो सकता ये ऑप्शन। एंड्रॉयड हर एंड्रॉयड में जाए, आपके पास सैमसंग हो, ओप्पो, हुआवे, इन्फिनिक्स, कोई सा भी फ़ोन हो, आपके फ़ोन के अंदर ये ऑप्शन होगा। तो हम लोगों ने अपनी सेटिंग ओपन कर ली है, आपको साथ में दिख रहा होगा। हमने अपनी सेटिंग ओपन कर ली है। सबसे पहले हम लोगों ने सर्च सेटिंग में जाते हैं और हमने लिखना है यहाँ पे Private DNS लिख के आपको देख सकते हैं आप लोग के सामने ऑप्शन आ चुका है Private DNS का। तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको Private DNS का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर जो हम क्लिक करेंगे तो आपको ऑफ़ मिलेगा। ऑफ़ मिलेगा, आपने क्या करना है, आपने थर्ड नंबर वाले थर्ड पे जो आपका ऑप्शन है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, Private DNS प्राइवेट प्रोवाइडर होस्ट नेम के ऊपर। और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपने वही टाइप करना है। आपने लिखना है dns.edgard.com। आपने बिल्कुल इसी तरह से लिख देना है dns.edgard.com और आपने इसके ऊपर फिर सेव कर देना है। जब आप ये कर देंगे, अब आपका देखें ये Private DNS ऑफ से हट के आपका इसके ऊपर लग चुका है। तो फिर आप अपने बैक स्क्रीन के ऊपर आ जाइएगा और अब आपको यहाँ पे कोई भी आपका ऐड नहीं आएगा, ना वेबसाइट पर आएगा और ना कोई ऐप पर आएगा। क्योंकि हम लोग बहुत तंग आ चुके होते हैं, हर जगह जो कुछ भी हम यूज़ करें हमारे ऊपर हमारे पास एड्स हमें मिल रहे होते हैं। यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप यूज़ करें, इंस्टाग्राम यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, वहाँ तक भी हमारे पास ऐड आ रहे होते हैं। वो हमारे एक फ़ोन में एक वायरस एंटर हो जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि इन ऐप्स पे भी ऐड आते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो इस तरह से आपके ऐड्स ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।